पीएम मोदी से जुड़े बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री विवाद के बीच ही पिछले 22 घंटे से बीबीसी के ऑफिस पर इनकम टैक्स का छापा जारी है और सूत्रों की माने तो इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी की जांच को लेकर इनकम टैक्स ने छापेमारी की है। इनकम टैक्स की ये रेड मंगलवार को तकरीबन 12 बजे से शुरू हुई थी और आयकर टीम की रेड पर ही बीबीसी ने कहा है कि वो जांच में पूरा सहयोग कर रही है और उम्मीद है कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझा लिया जाएगा। बीबीसी के ऑफिस पर जारी छापेमारी के बीच अमेरिका और ब्रिटेन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका ने कहा है कि भारत में बीबीसी के ऑफिसों में इनकम टैक्स की रेड से हम अवगत हैं, लेकिन अभी इस पर कोई निर्णय देने की स्थिति में नहीं है। वहीं ब्रिटेन सरकार के सूत्रों ने कहा है कि बीबीसी के दफ्तर में आयकर की छापेमारी पर सरकार बारीकी से निगरानी कर रही है। हालांकि इनकम टैक्स की रेट पर ब्रिटेन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। अमेरिका विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि भारत में बीबीसी के दफ्तरों में जारी इनकम टैक्स की रेट के बारे में जानकारी है, लेकिन अभी वो कोई निर्णय देने की स्थिति में नहीं है और इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आपको भारतीय अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए और मैं कहता आया हूँ। नेट प्राइम ने कहा है कि हम दुनिया भर में फ्री प्रेस के महत्व का समर्थन करते हैं और हम मानवाधिकार के रूप में अभिव्यक्ति की आज़ादी और धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता के महत्व को प्राथमिकता देते हैं। दुनिया भर में लोकतंत्र को मजबूत करने में इसका अहम योगदान है। हमने इसी से अमेरिका के लोकतंत्र को मजबूत किया है और यही भारत के लोकतंत्र को भी मजबूत बनाता है। ये सार्वभौमिक अधिकार ही दुनिया भर में लोकतंत्र की नींव है। नेट प्राइम से जब ये पूछा गया कि क्या ये कार्रवाई लोकतंत्र की भावना या मूल्यों के खिलाफ है और इस पर उन्होंने कहा कि मैं नहीं कह सकता, हम अभी इस रेट से अवगत हैं, लेकिन मैं निर्णय देने की स्थिति में नहीं हूँ।